गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मोमेंट बेबी ट्रूबी। तो आज का टॉपिक है कि घर पर प्राइमर कैसे बनाएं। जी हाँ, तो हम घर पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्राइमर आखिर क्या होता क्या है, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, उन लोगों को पता होगा जिनको पता है कि मेकअप में प्राइमर की क्या जगह है। जी हाँ, तो उन लोगों को पता होगा कि मेकअप किस लिए मतलब प्राइमर किस लिए यूज़ होता है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि प्राइमर हमारे फेस में मेकअप को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए प्राइमर का यूज़ होता है, और प्राइमर हमारे मेकअप को मैट रखने में भी हमारी हेल्प करता है। मतलब हमारा मेकअप बहुत टाइम तक रहता है, मैट फिनिशिंग में रहता है। जैसे अगर किसी की स्किन ऑयली है तो वो ये प्राइमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमर आखिर आता कितने का है, या अफोर्डेबल है या नहीं। तो जी हम आपको बता दो, प्राइमर थोड़ा कॉस्टली भी आता है और सस्ता भी आता है, लेकिन सस्ता आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता है। और मतलब कॉस्टली जो होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक बेस्ट तरीका आप लोगों को बताने के लिए सोचा कि आपका मेकअप भी टिका रहे, आपको पैसे भी खर्च ना करने पड़े ज़्यादा, और आपका काम भी हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेकअप प्राइमर बनाते कैसे हैं। तो मेकअप प्राइमर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा एक कंटेनर। तो मेरे पास ये पॉन्स का एक छोटू सा कंटेनर खाली पड़ा हुआ है, तो ये चाहिए मुझे खाली। तो उसके बाद मुझे चाहिए इसमें एक कोई भी एलोवेरा जेल, आपके पास अगर पतंजलि है तो पतंजलि, नहीं तो आप अदरवाइज भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास पतंजलि एलोवेरा जेल है, तो एक चम्मच हम उसमें लेंगे पतंजलि एलोवेरा जेल। तो उसके बाद चाहिए ये ग्रिसलीन आधा आधा चम्मच, उसके बाद चाहिए लैक्टोकैलामाइन लोशन या फिर कोई भी कैलामाइन लोशन। तो ये हमें आधा चम्मच से भी कम लेना है, आधा चम्मच के बीच के फॉर्म में लेना है, मैक्सिमम इतना, थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा एकदम। और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे तीनों को। और ये मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह के फॉर्म में हो जाता है, और अच्छे से और मिक्स कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, पतंजलि का एलोवेरा जेल और क्रिस्लिन और लैक्टोकैलामाइन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कैलामाइन, अगर लैक्टोकैलामाइन लोशन नहीं है तो आप कोई भी कैलामाइन लोशन यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी तरह से आप बहुत अच्छे से प्राइमर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ये प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको अपने फेस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मेकअप लगाने से पहले आप सबसे पहले प्राइमर को लीजिए, और मेरा ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया, तो डॉट 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 लगा लीजिए। तो मैंने ये अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगा लिया है अभी, और अब मैं इसको अच्छे से अपने, ये बहुत अच्छे से अपने आप हैंड से अपने फेस पे इसको ब्लेंड कर सकते हैं, और आपको किसी भी ब्रश और ब्लेंडर की या ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैंने अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया।
और आप लोग तो जानते हैं मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बस और बहुत कम फॉर्म में आप लगा। तो एक सेकंड, मेरा हेयर खराब हो गया है। तो जी हाँ, तो मैंने ये लगा लिया है और बहुत इजीली ये अच्छे से मेरे फेस पे अप्लाई हो गया है। तो अब आप इसके बाद अपना मेकअप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस भी लेडीज, आप बोलोगे कि जरूरी है, जिस लेडीज की, एक चीज़ बहुत अच्छा है इसमें, थोड़ा सा क्वांटिटी लैक्टोकैलामाइन की है, मतलब कैलामाइन हो गया लोशन, फेस के लिए अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा अपना, जिन लेडीज़ों को मेकअप ज़्यादा नहीं पसंद है, वो लेडीज़ भी आप इसको बिना, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको भी लगा के आराम से बाहर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है और इससे फेस का डेंजर्स भी कुछ नहीं है, क्योंकि लैक्टोकैलामाइन है, पतंजलि है और ग्रिस्लिन है, तो ये कोई चीज़ हार्म नहीं है। तो मेरी मानिए, आप ये यूज़ कीजिए, आपका फेस बहुत ग्लोइंग करेगा, ये बहुत अच्छा रहता है। मेरा फेस बहुत अच्छा, बट आप इसको लगाने के बाद अगर मेकअप करना है तो इसको लगाने के बाद 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे फेस में अब्सॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, यही है मेरा आज का वीडियो, और मैंने मेरा होममेड प्राइमर, मेकअप प्राइमर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और छोटू सा लाइक दे दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं, ताकि आप मेरी वीडियो को बार बार सबसे पहले देख सकें। तो सबसे पहले आप देख सकें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ताकि सबसे पहले आपका ही नंबर लगे। जी हाँ, और बस छोटू सा लाइक दे दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।